ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के विषय में। शनि वक्री होने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या आपको लाभ होगा, किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि 18 जून 2023 से शनि महाराज वक्री यानी कि उल्टा चल रहे जा रहे हैं। अब चूंकि शनि महाराज इस समय अपने स्वराशि यानी कि कुंभ राशि में बैठ के आपके दशम घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से जो शनि महाराज की वक्र दृष्टि आपके दुर्घटना एक्सीडेंट अष्टम घर में पड़ेगी, तो आप वृषभ राशि वालों के लिए विशेषकर वाहन आदि चलाते समय आप बिल्कुल नियमित सामान्य गति से वाहन चलाएं, बहुत सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, बेवजह आप बैठे बिठाए परेशानी में पड़ सकते हैं। अब चूंकि शनि महाराज की वक्र दृष्टि, आप देखोगे कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि शनि महाराज इस समय अपनी राशि में चल रहे हैं, और जब कोई अपनी राशि में ग्रह होता है तब वो शत्रु मित्र लगभग सबके साथ समान व्यवहार करता है। यही कारण है कि आपके दशम घर में बैठ कर शनि महाराज आपके चतुर्थ माता मित्र मकान सुख घर को देख रहे हैं। आपको विशेषकर अपनी माता जिसे किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए, उनका जितना आप सम्मान करेंगे आप ये मान कर चलिए कि यह समय आपके लिए उतना सुनहरा अवसर लेकर आएगा। आपको अपने मित्रों से भी मधुर संबंध रखने चाहिए, उनकी किसी भी बात पे बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर बुरा भी मानते हैं तो उनकी किसी तरह की बुराई करने से आप बचें। अब जिन लोगों को विदेश आदि जाने का समय है या बार बार वो विदेश जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो शनि महाराज अपनी अल्प दृष्टि से आपके विदेश घर को देख रहे हैं, यानी कि ये वक्री होकर उल्टा चलकर आपके अष्टम घर को जहाँ पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं अपनी अल्प दृष्टि से आपके विदेश घर को भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों को दूर की यात्रा करने के लिए आप विचार बना रहे हैं, कोई यात्रा बार बार आपका बनता है कैंसिल हो जाता है, तो इस समय आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आपके यात्रा के दौरान जरूर समस्याएं आएंगी क्योंकि वहाँ मेष राशि बैठती है और वहाँ शनि आपको कुछ ना कुछ आर्थिक समस्या देगा, लेकिन काम में आपको धीरे धीरे सफलता मिल सकता है। आप अपना प्रयास जारी रखिए। अब चूंकि आपके राशि पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि है वक्र दृष्टि से, तो आप काम का प्लान तो खूब बनाएंगे, हमें ये करना है, हमें जल्द से जल्द ये करना है, लेकिन करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, यह आप जो समय को टालते हैं यह समय आपके लिए उचित नहीं है। आपको अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए और अपने आलस्य को त्याग देना चाहिए। आपने जो समय के अनुसार कार्यक्रम बनाया है कि हमें इस समय यह करना है, इस समय यह नहीं करना है, आप अपने उसी समय के अनुसार अपने को गतिशील कीजिए, आपका कार्य भी होगा। अगर आप घर मकान इत्यादि लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या वाहन आदि खरीद फरोख्त करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो यह आपके 4 नवंबर 2023 के पहले आपको अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, जब आप अपने घर में घर मकान बना सकते हैं, वाहन ला सकते हैं, या कोई जैसे घर में टीवी फ्रिज इत्यादि लाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा अवसर प्रारंभ हो चुका है। अब चूंकि वृषभ राशि का स्वामी इस समय कर्क राशि में नीच राशि नीच मंगल के साथ बैठा हुआ है, मंगल शुक्र की युति है, किसी बात पे आपका आपके भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन इसे आप सूझबूझ से निपटाइए। अपने भाई बहनों के साथ आप जितना मधुर संबंध रखेंगे उतना आपको सफलता प्राप्त होगा। अब चूंकि इस समय सूर्य आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि के बैठे हैं, इसीलिए आप अपने परिवार के लोगों के साथ किसी भी तरह के क्रोध से बचें। जितना आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और अपने आलस्य को त्याग करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। यह समय आपके लिए एक प्रकार से लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। आप जो भी काम के लिए प्लान बना के रखे हैं उस काम को आप धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। आपके देखिए निश्चित तौर पे काम में सफलता मिलेगा। बस आप शेयर सट्टा इत्यादि खरीदते समय बहुत सावधानी रखिए और विशेषकर अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता, दादा दादी आदि का जितना अधिक आप सेवा और सम्मान करेंगे उतना अधिक आपका भाग्य चमकेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि के शनि वक्री के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।